नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निकंत ब्लॉग्स में, जहाँ पर हम आपको केमिकल्स की फॉर्मूलेशन देते रहते हैं, जैसे डिटर्जेंट केक हो गया, पाउडर हो गया या फिर लिक्विड हो गया। उसी राह में आज हम आपको एक जो है डिटर्जेंट लिक्विड की फॉर्मूलेशन देने वाले हैं, जो कि हमने खुद अपने यहाँ पर डेवलप करी है, जिसमें आपको 10-15 केमिकल मिलाकर कोई डिटर्जेंट लिक्विड नहीं बनाना है, जिसमें आपको मात्र 2 केमिकल से ही डिटर्जेंट लिक्विड का पूरा प्रोसेस तैयार हो जाएगा। उसी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास ये 2 केमिकल्स हैं। एक तो ये पेस्ट है, जिसमें ये पेस्ट है, दूसरा ये पाउडर है। ये जो मेरे पास मटेरियल है, इसमें 20 किलो मटेरियल तैयार हो जाता है। 1 किलो में 20 किलो जो है आप डिटर्जेंट लिक्विड बना सकते हैं। इतना जो है ये मटेरियल हमने श्रिंक करके तैयार किया हुआ है, जिससे हमारा जो है 20 किलो डिटर्जेंट लिक्विड तैयार हो जाएगा। अभी मैं इससे आपको सैंपल तैयार करके दिखाऊंगा कि इससे कैसे माल जो है बनता है। इससे मैं थोड़ा सा आपको मानो यानी तकरीबन 2 लीटर में आपको यहाँ पर जो है, मेरे पास व्हीकल 2 लीटर का है, तो इसमें मैं आपको 2 लीटर जो है बनाकर दिखाऊंगा डिटर्जेंट लिक्विड किस तरीके से हमारा तैयार होता है और कैसा प्रोसेस है, ठीक है, और कैसे उसको तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मुलेशन है, कोई उसमें ज़्यादा जो है केमिकल का जो है रिएक्शन रिएक्शन आपको नहीं करानी, आपको किसी टेंशन की ज़रूरत है नहीं। सारी की सारी आपको जो है बिल्कुल फ्री कर कर आपको फॉर्मुलेशन दे दी गई है। बिल्कुल ईजीली आप इसको जो है बना सकते हैं और आराम से जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। चलो तो चलो हम अब इसको इस प्रोसेस को आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं आपको, मतलब जो है बना के दिखाते हैं केमिकल कैसे बनाते हैं, जो है रिएक्शन आपको कैसे करनी है, आपको इसको मिक्स कैसे करना है। तो ये मेरे पास 2 लीटर पानी है, ये जो है आपका, मैं अभी आरओ से भरकर लाया हूँ। आप इसमें आरओ का पानी यूज़ करते हैं, तो मैं अभी इसको आरओ से भरकर लाया हूँ। इसमें 2 लीटर पानी जो है बीकर में डाल रहा हूँ। ये मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मैं जो है, एक हमारा जो पहला पार्ट है लिक्विड जो है, जिसमें हमारा जो है ये फॉर्मेशन जो पहला पार्ट है, इसमें जेली फॉर्म है, जेल फॉर्म के तरीके से लिक्विड है, इसको हम इसमें पहले डालेंगे, ठीक है। इसके मेज़रमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने अगर इसको 2 किलो बना रहा हूँ, तो उसके मेज़रमेंट के हिसाब से इसमें हम इसको पहले डालेंगे। उसके बाद हम जो है उसको मिक्स करने के बाद उसमें ये पाउडर डालेंगे और हमारा जो है डिटर्जेंट लिक्विड तैयार हो जाएगा। चलो मैं अब इसमें से इसको फाड़ता हूँ, उसके बाद इसमें से जो है इसके मेज़रमेंट के हिसाब से इसमें डालता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा, इसमें मैंने जो है तकरीबन 150 ग्राम इसमें जो है ये डाल दिया है पेस्ट। अभी नीचे पेस्ट बैठा है, इसमें मैं इसको अब धीरे 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 इस पानी में मिलाऊंगा। इस पेस्ट को आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट इस पानी में मिलाना है, यानी कि जब तक मिलाना है, जब तक ये मिल नहीं जाता इस पानी के अंदर, तब तक मैं इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको घुमाता रहूँगा। अब आप ये वीडियो इसको आगे यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे, क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे इसमें यहाँ पर मिलाऊँगा, तो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड में देखते जाएंगे। तो इसको घोलते घोलते तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और तकरीबन तकरीबन सारा का सारा घुल गया है। धीरे धीरे देखा जाए तो मैं आपको उसको कैमरे में दिखाऊं ऊपर करके, तो ये तकरीबन तकरीबन सारा घुल गया है, थोड़ा बहुत जो है रह गया है। तो इसको मैं दो तीन मिनट और इसको अभी घुमाऊँगा, तो ये पूरा पूरा मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको अभी 2-3 मिनट और इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। तो ये धीरे धीरे पूरा घुल चुका है ना। अब इसमें देखेंगे तो पूरा पूरा घुल गया है। अब इसको घुलने के बाद में तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद में इसमें जो है पाउडर डालेंगे। 5-6 मिनट इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे, ताकि जो फॉर्म उसमें उठ गया है वो फॉर्म बैठ जाए, ठीक है। तो इसके बाद में आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसमें अब फॉर्म जो है पूरा बैठ गया है ना। अब इसमें हम जो है पाउडर डालेंगे, ये पाउडर जो है इसको गाढ़ा करने का काम करता है तकरीबन। तो अब इस पाउडर को हम इसमें डालेंगे, तकरीबन 25 ग्राम 2 किलो के अंदर मैं पाउडर ये वाला इसमें से डालने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अंदाजे से भी डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे छोटा सा तोलने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपने अंदाजे से इसमें 25 ग्राम के तकरीबन पाउडर इसमें जो है डालने वाला हूँ। ठीक है, मैं तकरीबन इसमें 20 से 25 ग्राम इसमें पाउडर जो है डाल लिया है। अब इसको मैं धीरे 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 मिलाऊंगा दोबारा से इस पाउडर को इसी मैटर के अंदर।
बस ये दो ही मेटल इसमें मिलने थे। इसके बाद हम इसमें एक फॉर्म बूस्टर और डालेंगे, वो मैं भी आपको इसमें आगे और दिखाऊंगा। तो मैं अब इस पाउडर को इसमें धीरे धीरे मिलाता जा रहा हूँ। इसमें हमें बस ये पाउडर और मिलाना है धीरे धीरे। ये मतलब मुश्किल से पाउडर तो इसमें दो से तीन मिनट में मिल जाएगा। सुपर इजी, सुपर कन्वीनियंट जो है फॉर्मुलेशन है। अब आप इसको अपने घर के लिए भी मंगा सकते हैं। एक लीटर, एक किलो जो ये मटेरियल है इसमें, ये आपका तकरीबन 20 किलो बन जाता है, है ना। तो आप इसको घर के लिए भी मंगा सकते हैं। एक किलो आपने मंगा लिया और आपका आराम से 20 लीटर बन जाएगा, तो आपका आराम से एक साल तो कट ही जाएगा। साल नहीं, 6 महीने तो आपको कहीं नहीं गए। 6 महीने अगर आप 20 लीटर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही है, मतलब महीने पे एक लीटर आपका मुश्किल से यूज़ होता होगा। एक लीटर किसी के यहाँ पे थोड़ा बड़ी फैमिली है तो 1.5 लीटर यूज़ हो जाएगा या 2 लीटर यूज़ हो जाएगा। तो भी आपके अगर 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर भी यूज़ होता है तो भी आपका जो है एक साल में जो है आप 1 किलो का इसमें मटेरियल बना के यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो सुपर कन्वीनियंट रहेगा। रेट के लिए, कितना रेट पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, कैसे मंगाना है, उसके लिए आप जो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उससे आप जो है ये मटेरियल मंगा सकते हैं। और आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाहते हैं, अपने बिज़नेस के लिए चाहते हैं, तो आप उसके लिए तो बिल्कुल आपके लिए इजी टू मेक है ही है। आपको बस आराम से इसको मिलाना है, पाउडर और जेल जो है दोनों आपस में मिला के इसमें जैसे जैसे मिलता चला जाएगा आपका जो है डिटर्जेंट लिक्विड तैयार हो जाएगा। मैं उसको मिला रहा हूँ अब। इसके बाद में ये तकरीबन इसको हमें 4 से 5 मिनट मिलाना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट मिलाने के बाद ये जो मटेरियल जो है तकरीबन देखेंगे आप, इसमें पूरा दोनों मटेरियल मिल चुके हैं, है ना, पूरा मिल गया है। अब इसके बाद में मेरे पास ये एक फॉर्म बूस्टर और है, है ना। देखो इसमें लिखा भी है फॉर्म बूस्टर, तो मैं इसके अंदर थोड़ा फॉर्म बूस्टर डालूंगा, जिससे क्या होगा इसमें फॉर्म थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। ये भी हम आपको साथ ही देते हैं, है ना। तो मैं इसके अंदर थोड़ा फॉर्म बूस्टर डालूंगा, जिससे क्या है, जिससे क्या है झाग ज़्यादा बनता है। फॉर्म बूस्टर का काम बेसिकली झाग बनाने का होता है, है ना, क्योंकि सर्फ के अंदर जो है डिटर्जेंट लिक्विड के अंदर जो है झाग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये झाग बनाने के लिए होता है। तो तकरीबन इसमें से मैंने मोटा मोटा 10 ग्राम या 12 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया होगा फॉर्म बूस्टर, और उसको मैंने बस मिक्स किया है और ये मिक्स कर तकरीबन तैयार है। इसको हम 12 घंटे तक रखेंगे। 12 घंटे रखने के बाद में ये बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपका डिटर्जेंट लिक्विड एज इट इज़ तैयार। तो आपने देखा कितना सुपर कन्वीनियंट फॉर्मुलेशन है, बिल्कुल इजी है, इजी टू यूज़ है, इजी टू मेक है, और आप इसको आराम से बनाकर अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। और अगर आप पुराना व्यापार कर रहे हैं, डिटर्जेंट लिक्विड बनाने में आपको तकलीफ़ आती है, फिर आपको जो है ज़्यादा केमिकल रखने की, स्टोर करने की समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो आप इसको जो है ले सकते हैं हमसे, और इससे आप अपना डिटर्जेंट लिक्विड का बिज़नेस कर सकते हैं। धन्यवाद।